प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित का एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। प्यारे बच्चों, आपने त्रिभुज के बारे में प्राइमरी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 9 में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित नियम के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा है। कक्षा 10 में चैप्टर 6 त्रिभुज, इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार कक्षा 9 में हमारे पास जो 7th चैप्टर है त्रिभुज, उसका जो सारांश है आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। इससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। कक्षा 9 में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा था, तो हम शुरू करते हैं कक्षा 10 में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के लिए बेसिक। जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित नियम हैं उनमें हम देखते हैं कि दो त्रिभुजें सर्वांगसम कब होती हैं, जब एक तो उनका जो आकार है, शेप है, वो समान हो, और दूसरी बात उनका जो साइज है, अमाप है, वो भी समान हो। यानी कि दो त्रिभुजें सर्वांगसम कब होंगी, जब उनका आकार और उनका अमाप, यानी कि उनकी शेप और उनका साइज समान हो, तो उन त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा है। अब इसी स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं। कई बार हम अपने आसपास ऐसी आकृतियां देखते हैं जिनका आकार तो एक जैसा होता है, जिनका आकार एक जैसा होता है, लेकिन वो बड़ी छोटी हो सकती है। यानी कि उनका जो अमाप है, जो साइज है, वो ज़रूरी नहीं है कि समान हो। तो इस तरह की आकृतियाँ, तो ऐसी दो आकृतियाँ जिनका आकार समान हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका माप भी समान हो, ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे समरूप आकृतियाँ। इस तरह की आकृतियों को हम कहेंगे समरूप आकृतियाँ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका अमाप, यानी कि उनका साइज़ भी समान हो, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियाँ कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर का नाम है, तो हम त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित जो नियम है और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ की हमें ऊंचाई मापनी है, या फिर हमें चांद से दूरी मापनी है, हमारी चांद से दूरी मापनी है, तो क्या ये किसी फित्ते की सहायता से संबंधित संभव है? तो ये फित्ते की बजाय हम इसमें, यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट में की बजाय
हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह की दूरी या ऊंचाई मापने के लिए हम जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो हम समरूप त्रिभुजों की अवधारणा को लेके, समरूप आकृतियों के सिद्धांत को लेके इस तरह की जो दूरी या ऊंचाई है उसको मापते हैं। अब जैसे अगर हम समरूप आकृतियों की बात करें तो समरूप आकृतियां कौन सी होंगी जिनका साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी शेप एक जैसी हो, आकार एक जैसा हो, अमाप अलग अलग हो सकता है, बड़ी छोटी हो सकती है। जैसे दो वृत्त दिए हुए हैं हमारे पास, ये वाला बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, लेकिन इनका जो आकार है वो एक जैसा है, इनका आकार एक जैसा है, अमाप बड़ा छोटा है, अमाप एक जैसा नहीं है। तो ये जो आकृतियाँ हैं वो कैसी हैं? समरूप आकृतियाँ हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम दो वर्ग की बात करें तो ये हमारे पास छोटी वर्ग है और ये हमारे पास बड़ी वर्ग है, लेकिन इन दोनों का जो आकार है एक जैसा है, अमाप इनका बड़ा छोटा है, तो ये दोनों आकृतियाँ भी कैसी हैं? समरूप आकृतियाँ। ठीक इसी प्रकार के से ये छोटी त्रिभुज, ये बड़ी त्रिभुज, लेकिन इनका जो आकार है एक जैसा है और जो अमाप है वो बड़ा छोटा है, तो ये भी हमारे पास कैसी हैं? समरूप आकृति है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको समरूप आकृतियों का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, समरूप यानी कि समान रूप, उनका रूप एक जैसा है, यानी कि उनका उनकी जो शेप है, उनका जो आकार है वो, उनका जो रूप है वो एक जैसा है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो ऐसी जो आकृति हैं उनको हम कहेंगे समरूप आकृतियाँ। और अगर उनका जो आकार है और जो उनका अमाप है दोनों ही एक जैसे हो जाए, जैसा कि हमने नौवीं क्लास में पढ़ा है, तो उन आकृतियों को हम कहेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ। जैसे ये दो वर्ग हैं, दोनों की शेप और दोनों का साइज सेम है, तो ये सर्वांगसम आकृति है। ठीक इसी तरह से दो त्रिभुज हैं, ये इन दोनों का शेप और साइज सेम है, तो ये भी हमारे पास सर्वांगसम आकृति है। और दो वृत्त की बात करें तो इनका भी शेप और साइज एक जैसा है, तो ये भी हमारे पास कैसी है? सर्वांगसम आकृति है। अब इन तीनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों केस में इनका जो शेप है और जो साइज है वो एक जैसा है, जो आकार है और जो अमाप है एक जैसा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनका आकार तो एक जैसा है ही है। जब हम समरूपता की बात करते हैं तो हम सिर्फ आकार की बात करते हैं, अमाप की बात नहीं करते हैं। तो उनका जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए, अमाप छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये जो समरूप सर्वांगसम आकृतियाँ हैं ये समरूप आकृतियाँ भी हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो सर्वांगसम आकृतियाँ हैं वो समरूप आकृति हैं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए? शेप और साइज दोनों समान होने चाहिए। और समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ शेप समान होनी चाहिए। तो शेप तो इनकी सेम ही, एक जैसी ही है। तो जितनी भी सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी वो समरूप जरूर होंगी। तो उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप आकृतियाँ हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। जैसे कि इसमें अगर हम देखें, अब देखो यहाँ पर इन दो वर्ग की बात करें तो ये समरूप आकृतियाँ हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, इनका जो साइज़ है वो बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्या
कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी वो समरूप अवश्य होंगी, लेकिन जो समरूप हों वो हमेशा सर्वांगसम हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सभी वृत्त हैं वो समरूप होते हैं। अब देखो, उनकी अगर त्रिज्या बराबर होगी तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे, उनकी शेप और साइज बराबर हो जाएंगी। अदरवाइज उनकी शेप तो बराबर है, एक जैसी है ही है, तो बड़े छोटे हो सकते हैं तो समरूप तो होंगे। इसी प्रकार सभी वर्ग भी समरूप हो जाएंगे, इसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर उसको कंक्लूड किया गया है कि इस प्रकार उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसंग आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब इस चर्चा के बाद आप अपने दिमाग में सोचें कि क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकता है, क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकता है, इसी प्रकार क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं। ये आपने सोचना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इन दोनों प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इसका आंसर आप बताएं। तो आपको कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के इस आंसर का जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आपको दो आकृतियां नज़र आ रही हैं, दो चतुर्भुज हैं हमारे पास। अगर आप इनको देखें तो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि क्या ये समरूप आकृतियाँ हैं या नहीं। तो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों जो आकृतियाँ हैं वो समरूप आकृति हैं, लेकिन हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि आकृति वन और आकृति टू समरूप है या नहीं, क्योंकि इनकी डायमेंशन का ये कितने कितने सेंटीमीटर हैं तो हमें पता नहीं है। लेकिन देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये समरूप आकृतियाँ हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समरूपता का कोई समरूप आकृतियों का कोई नियम सुनिश्चित करना पड़ेगा, ताकि कोई परिभाषा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी कि कोई दो आकृतियाँ समरूप किस नियम के हिसाब से होंगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अब आप इसको देखें तो ताजमहल का ये एक चित्र है, ये सबसे बड़ा चित्र है पहले नंबर पे, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। अब क्या हुआ, इनका जो शेप है, तीनों ही आकृतियों की शेप एक जैसी है, इनका जो साइज़ है, ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उस सबसे छोटा, तो साइज़ इनका छोटा बड़ा है लेकिन शेप इनकी सेम है। इनका आकार एक जैसा है, अमाप एक जैसा नहीं है। तो ये आकृतियाँ कैसी हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। तो यहाँ से हम दो बहुभुजों की समरूपता का नियम बना लेते हैं कि दो बहुभुज होंगी जो, वो समरूपता के लिए क्या नियम है उनका। तो यहाँ पे है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अब वो त्रिभुज भी हो सकते हैं, वो चतुर्भुज भी हो सकते हैं, बहुभुज मतलब वो त्रिभुज भी हो सकते हैं, चतुर्भुज भी हो सकते हैं, पंचभुज भी हो सकते हैं, षटभुज भी हो सकते हैं, सप्तभुज भी हो सकते हैं, अष्टभुज भी हो सकते हैं, उनकी भुजाओं की संख्या बस समान हो। वो समरूप कब होंगे, जब तो एक तो उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर हों, जो कोण हैं वो बराबर हों और उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में हों, यानी कि समानुपाती हों। तो यहाँ पे दो बहुभुजों की समरूपता का क्या नियम बना कि दो बहुभुज समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे, एक तो जब उनके संगत कोण बराबर हों और दूसरी बात उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हों।
तो ये हमारे पास दो बहुभुजों की समरूपता से संबंधित नियम हुआ। तो इसी नियम को हम किसके लिए कह सकते हैं, त्रिभुज के लिए कह सकते हैं कि दो त्रिभुजें समरूप होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो उन त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ से अगर इस आकृति चित्र को देखें तो इसमें देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसी तरह से पी क्यू आर एस एक और चतुर्भुज है। अब इसमें देखो संगत कोण। प्यारे बच्चों, अगर आप इन दो आकृतियों को, दो चतुर्भुजों को ध्यान से देखें तो इन दोनों चतुर्भुजों को, चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इन दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर हैं 105 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री और 85 डिग्री। तो संगत कोण इनके बराबर हैं। इसी प्रकार इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। देखो 2.1 और यहाँ से 4.2, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक के बाद यहाँ से पॉइंट तो कैंसिल कर देते हैं, 21 और दूनी, तो यानी कि 1.1/2 आ गया। तो यहाँ से इसका अनुपात जब हम निकालेंगे 2.1 और 4.2 का, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से 1.5 और 3.0 का निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आएगा। इसी तरह से 2.5 और 0.0 का निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से 2.4 और 4.8 का निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो इनका जो अनुपात है वो समान आया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ इनका दोनों बहुभुजों का, दोनों चतुर्भुजों का जो संगत कोण है वो बराबर है और जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। तो इसी प्रकार अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में देखो, वैसे तो प्यारे बच्चों आप इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से क्लियर ही हो रहा है कि जो इनका जो आकार है वो एक जैसा नहीं है। फिर भी समरूपता के नियम के हिसाब से अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास जो आकृति फर्स्ट है, आकृति फर्स्ट हमारे पास एक आयत की आकृति है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति फर्स्ट हमारे पास एक आयत है, आकृति फर्स्ट हमारे पास एक आयत है और आकृति दूसरी जो आकृति है हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोनों आकृतियाँ एक जैसी नहीं हैं, आकार इनका समान नहीं है, तो ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखो जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। हाँ, संगत भुजाएँ समानुपाती हैं। देखो 2.1 4.2, जब इसको हल करेंगे तो 2.1/4.2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। अब देखो, संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो संगत कोण बराबर ना होने की वजह से ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के लिए बेसिक। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसमें कहा है कोष्टकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। अब देखो, वृत्त सर्वांगसम जब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं समान हों, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि त्रिज्याएं समान हैं। तो सभी वृत्त, कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई 3 सेंटीमीटर, तो उनका क्या है, जो साइज़ है वो बड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन शेप तो सेम रहेगी। अगर शेप सेम रहे, आकार कोई आवश्यक नहीं है, सेम हो या ना हो, तो शेप की बात है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियाँ। तो सर्वांगसम नहीं है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा समरूप। ठीक इसी तरह से
सेकंड सभी वर्ग डैश होते हैं, तो जैसे कि हमने अपने बेसिक वीडियो में भी बात की थी, तो सभी वर्ग भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि बड़े छोटे तो हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट सेकंड में भी सभी वर्ग समरूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो एक तो है समद्विबाहु त्रिभुज और एक है समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, तो कोई भी चाहे 3 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज बनाए, चाहे 4 की चाहे 5 की, तो यहाँ पे हमारे पास प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाएँ अनुपात समानुपात में हो जाएंगी। मान लो एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बड़ी है और एक हमारे पास छोटी है, यानी कि ये 4-4 सेंटीमीटर है और ये 2-2 सेंटीमीटर है, तो अनुपात इनका सेम रहेगा, कोण इनके बराबर रहेंगे, तो संगत कोण बराबर और जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी, तो इस तरह से आकृतियाँ ये समरूप हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, ये हमने अपने बेसिक में भी किया था। ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सत्य नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सत्य क्यों नहीं है, मान लो देखो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो इसमें हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये हम 4 सेंटीमीटर, ये हम 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ले लें, मान लो तो एक समबाहु त्रिभुज हमने बना ली, और एक हम दूसरी समबाहु त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं कि ये हमारी 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, तो ये पाँच दो भुजाएं बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, 6 और 6 ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो हमारा जो आंसर है इसका वो क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ, इसमें कहा गया है, ये नियम ही आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट में, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर, तो यहाँ आ जाएगा बराबर, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती, तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा बराबर और दूसरे में आ जाएगा समानुपाती। तो ये हमारा नियम ही था इस एक्सरसाइज के लिए, इस पूरे चैप्टर के लिए हमारा ये जो नियम है उसी का क्वेश्चन इसने बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2।